लेट्स प्ले गोवा वर्सेस महाराष्ट्र वर्सेस आईपीपीएल, झारखंड वर्सेस विदर्भ, यूपी वर्सेस डायमंड। इन टीमों से मेरा निवेदन है, ये टीमें बिगर टेक्निकल टेबल के इंफॉर्मेशन के कोई टीम जाएगी नहीं। फुलन की गेंदी ड्राइव किया है खिलाड़ी वापस मौजूद, अरे सादा बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। दोनों हमारे और बढ़िया मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर गोवा वर्सेस डायमंड के मध्य। अच्छी गेंद, चकमा दिया गोवा डायमंड टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर, डायमंड टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर स्कोरिंग टेबल के पास आ जाए। एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो खिलाड़ियों के नाम जानते हो, स्ट्राइक पर अब आएंगे सादाब। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। स्ट्राइक पर सादाब हैं और नॉन स्ट्राइक पर हैं यश सिंह। नॉन स्ट्राइक पर यश सिंह हैं। गोवा ने टॉस जीता था, पहले क्षेत्र रक्षण करने का यहाँ पर फैसला किया है। नेक्स्ट मैच महाराष्ट्र वर्सेस आईपीपीएल, ये टीमें तैयार रहे। उसके बाद जो मैच खेला जाएगा झारखंड वर्सेस विदर्भ, यूपी वर्सेस डायमंड। तो ये टीमें, जिन टीमों के मैं नाम ले रहा हूँ, वो टीमें मैदान छोड़कर ना जाएं बिगर टेक्निकल टेबल के इंफॉर्मेशन किए। अच्छी गेंद थी, दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा आया है। कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा, डायमंड वर्सेस गोवा। यश सिंह हो गए इस टाइप पर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां पर गौरेश। जी हाँ, गौरेश हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी को लेकर। अच्छी गेंद अपील, लेकिन एम्पायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। बढ़िया एम्पायरिंग पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिली है अभी तक, और जो हम लाइव प्रसारण यहां पर देख पा रहे हैं वो tenniscricket.in के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो महाराष्ट्र से चलकर हमारे बीच आए हैं लाइव पर। और नीलैंड कंपनी tenniscricket.in अगली बार आपको मौका देंगे कि। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, सादा कुछ समझ नहीं पाए, चकमा दिया गेंदबाज ने। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम डायमंड AFC। और डायमंड AFC बड़ा नाम है, लेकिन उस बड़े नाम को का कारनामा कर नहीं पाया यहां पर। और अब देखते हैं, अक्षय आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी को लेकर। अच्छी गेंद और बैट का बाहरी किनारा।
और अच्छी गेंद और यहाँ पर रन आउट होते हुए विकेट अपना फेंक कर जाते हुए सादा कुछ कर नहीं पाए। लगातार असफल रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। अब यहाँ पर कुछ तो करना होगा, अगर टीम की नैया को पाल लगाना होगा तो पिटारे से शॉट निकालने होंगे, उस बक्से को खोलना होगा। यहाँ पर जो बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है एक्स के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंद तक लेग साइड का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे मात्र एक रन। गेंद थी लेग साइड पर खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद मात्र एक रन। मुकेश यादव आए हैं बल्लेबाजी करने। अच्छी गेंद थी हल्के से ढकेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद तक पॉइंट पर थर्ड मैन का खिलाड़ी गेंद को फीड करे मात्र एक रन। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर 10 रन एक विकेट नुकसान पर टीम डायमंड एएफसी। यहाँ पर अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी फुलेलेन की गेंद थी और अपील, लेकिन एम्पायर पर इसका प्रभाव पड़ा नहीं। यहाँ पर यश सिंह लगातार संघर्ष करते हुए और गौरेश नागवेकर गेंद थी अपील, लेकिन और यहां पर चौका जाता हुआ। बढ़िया शॉट, रन आने चाहिए कैसे भी आए, बहुत आवश्यकता है यहां पर रनों की। रन आने चाहिए बस। तीसरा ओवर प्रगत पर चलता हुआ। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आया है, थोड़ा सा दिशा से भटके यहाँ पर।
गोरेस पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार और सामना उनका करेंगे। अच्छी गेंद थी, लगाना चाहते थे, फिर से एक बार चुके, पूरा बांध कर रखा है यहां पर। यस सिंह 10 गेंदों पर 10 रन का क्रीज पर मौजूद। अच्छी गेंद थी, बैट का बाहरी किनारा शायद था यहां पर, लेकिन कलेक्ट करने में असफल रहे। एक मौका था, इस मौके को भुनाना चाहिए और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यसी को। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 18 रन और 1 विकेट के नुकसान पर टीम डायमंड एएफसी। ऐसे मौके पर अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। कितना महंगा ये कैच हो सकता है देखना होगा। और आज का ये पांचवा दिन है, इस पांचवे दिन में कल इसका फाइनल खेला जाएगा। पूरी तरह घुमा दिया है, पूरी तरह घुमा दिया है और विकेट का यहाँ पर दिला दिया है। बिल्कुल गोवा को मिलने वाली एक और सफलता और एक और 440 वोट का झटका लगता हुआ यहाँ टीम डायमंड एएफसी को बहुत ही नाजुक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर और तारीफ करनी होगी गेंदबाज की और विकेट कीपर की। एम्पायर महोदय शायद समय का विशेष ख्याल रखे क्योंकि इतना समय 30 मिनट में एक इनिंग खत्म करनी होती है और यहाँ लगभग लगभग 1.5 घंटा लग जाता है यहाँ पर मैच समाप्त होते होते। गेंद थी और बढ़िया वहां सम्मान मुलायम, बल्लेबाजी करनी होगी, गहराई है बल्लेबाजी में लेकिन अभी तक जलवा दिखा नहीं यहां पर। प्रणय है गेंदबाजी की जिम्मेदारी को लेकर। अच्छी गेंद और स्वीप किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद तो खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे मात्र 1 रन। कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है यहां पर।
बढ़िया गेंद बढ़िया वहां पर ढकेला और मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मुलायम को। फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार प्रणय। अभी तक पूरी लाइन ऑन लेंथ के तहत और पटकी गेंद थी, छोटी गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए वहां पर, बिल्कुल नाखुश होंगे यहाँ पर मुकेश यादव। फायदा उठाना चाहिए था ऐसे मौके पर। बढ़िया गेंद पूरी तरह से यहां पर चकमा दिया। ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जी पंत इंडिया, आप इसे कैसे बोल सकते हैं, दुनिया का नंबर एक बेस्ट बेटिंग पोर्टल जहां पे आपको मनपसंद आईडी इसी अकेले ऐप में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टेंट आउट ऑफ डिपॉजिट एंड इंस्टेंट आउट ऑफ विड्रॉल का ऑप्शन भी मिलता है आपको। तो देर किस बात की है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर zipandindia.com और देर किस बात की, तो अभी डाउनलोड करें और पाएं ढेर सारो उपहार। शुभम पठान आए हैं और बढ़िया गेंद, छोटी गेंद थी, पुल कर दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर पार गई, सारा चार रन। मुकेश यादव के बल्ले से निकलता हुआ है चौका, छोटी गेंद थी, भरपूर फायदा यहां पर उठाया। बचना होगा छोटी गेंद से। गेंद थी, ड्राइव लगाया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लगन पर लगे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, मात्र एक रन। और इस टूर्नामेंट का कल फाइनल मैच देखा जाएगा, खेला जाएगा। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। गेंद थोड़ा दिशा से भटके, जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा आया है, दिशा से पकड़ना होगा, ये जो भटकना है ये इसमें लगाम लगानी होगी और देखते हैं लगाम लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है ये एक्स्ट्रा रन बाद में बहुत खलते हैं। और जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और अपील यहाँ पर, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई और लेग बाई का इशारा आया है एम्पायर के द्वारा। जैसे कि देख रहे हैं कप्तान उत्तर प्रदेश मिस्टर गौरव सिंह, जी हाँ, स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए। जो हम लाइव प्रसारण देख रहे हैं, गेंदी ड्राइव किया है और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र एक रन। और जो ये लाइव प्रसारण हम देख रहे हैं tenniscricket.in के सौजन्य से देख पा रहे हैं, तारीफ करनी होगी जो महाराष्ट्र से चलकर हमारे बीच आए हैं, tenniscricket.in फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे इस टूर्नामेंट को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। तो गेंदबाजी के लिए तैयार, जानते हैं दोनों टीमों के कप्तान की कितना बड़ा मैच है, कितना बहुमूल्य मैच है हमारे लिए।
अच्छी गेंद थी और यहाँ पर ड्राइव किया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। मुकाबला हो सकता है, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, डायमंड वर्सेस गोवा। इसके बाद की टीमें तैयार रहें कि बड़ा मैच होने वाला है IPPL। शायद इसके बाद का मैच है। छोटी गेंद थी यहाँ पर, पुल किया था लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जो गैप था उस गैप को यहाँ पर भेदने में नाकाम रहे हैं, भेदना चाहिए था। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर 31 रन। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम डायमंड AFC। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जी पंत इंडिया। और मिस्टर फैज अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। मिस्टर फैज मिस्टर फैज अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। हेलो नेक्स्ट मैच महाराष्ट्र वर्सेस IPPL। मेरा दोनों टीमों से निवेदन है कि दोनों टीमें तैयार रहें। स्वीप कर दिया है लेग साइड, मात्र एक रन। प्रणय बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, धकेला उसे मुलायम ने। मुलायम जिनका जलवा है कायम, नाम है मुलायम, लेकिन वो जलवा कायम रखने में असफल रहे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। वो कारनामा करने में बिल्कुल असफल रहे हैं, करना चाहिए। कप्तान ने भरोसा जताया है तो उस भरोसे को कायम रखना चाहिए। अभी तलहा खान को देखना बाकी है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इनका भी बल्ला इस टूर्नामेंट में खामोश रहा है, तो सराहना करनी होगी गोवा के गेंदबाजों की। और अपील, लेकिन एम्पायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बिल्कुल अनुभवी एम्पायर हैं हमारे। फिर से हल्के से ढकेल दिया है और बढ़िया फील्डिंग वहां पर, मात्र एक रन। मुकेश यादव बिल्कुल नाखुश होंगे, खराब गेंद थी, फायदा उठाना चाहिए था यहाँ पर। फायदा उठाना चाहिए था, फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन फायदा यहाँ पर उठा नहीं पाए, असफल रहे हैं फायदा उठाने में। मुलायम होंगे स्ट्राइक पर, और यहां पर लेग साइड पर खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र एक रन। ओवर की समाप्ति,
Hey guys, I'm Ravi Bapara. I'm here to tell you about the fastest growing exchange, GXChange. Here you can play thousands of games like cricket, football, tennis, anytime. GXChange is ruling the exchange industry since many years, so start your gaming journey only on GXChange.com. Also, the G Group has a wide range of platforms for sports enthusiasts. So if you want to manage all your sports IDs, visit gpunt.com. सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस पर है 5,000 से ज्यादा लाइव कैसीनो गेम्स अच्छी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। मात्र एक रन। अच्छी गेंद थी, हल्के से धकेल भर दिया, मात्र एक रन के लिए। अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र एक रन। और यहां पर चलता हुआ अक्षय जोग लेकर आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी को लेकर, अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का सातवां ओवर लेकर। बची हुई 9 गेंदों पे कितने रन बटोर पाती टीम में देखना होगा। निकल कर खेल दिया है, बॉलर थ्रो में खिलाड़ी वहां पर मौजूद और मिस फील्डिंग, और यहाँ पर मिस फील्डिंग, पकड़ना चाहिए था, दोनों खिलाड़ी थे यहाँ पर। और गेंद जाती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ऐसे मौके पर क्षेत्र रक्षण दिखाना होगा, जज्बा दिखाना होगा। यहाँ पर मौका था पकड़ने का, पकड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर 4 रन यहाँ पर खर्च की टीम गोवा ने अपने पॉकेट से। उछलता हुआ स्कोर 43 रन, डायमंड एएफसी पूरी तरह लय में आती हुई यहां पर। और फिर से ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, मात्र एक रन। मौका था यहां पर, करना चाहिए कुछ अलग, करना होगा। निकल कर खेलने का प्रयास था, पूरी तरह चूके वहां पर। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 4।
इस एक इनिंग हो गई है। गोवा वर्सेज डायमंड लीग का जो मुकाबला चल रहा था, ऑल इंडिया टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट लीग, टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट लीग के टूर्नामेंट के पांचवें दिन मैं सभी अतिथियों का, टेक्निकल टेबल के समस्त पदाधिकारियों का, इस मैच को संपन्न कराने के लिए जो ऑफिशियल लगे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। तमाम उन खिलाड़ियों का शुक्रगुजार करता हूं जो इस टूर्नामेंट को अपनी अपनी टीमें सुपर सिक्स सुपर एट में पहुंचा कर उनके अब मुकाबले खेले जा रहे हैं। विशेष रूप से आज हमारे बीच में इस आयोजन कमेटी के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक श्री आदरणीय देवेंद्र पाल साहब का यहाँ आगमन हो गया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। उनके साथ राजू भाई, जमील अहमद साहब मीडिया सलाहकार एंकर और हमारा संचालन भार संभालेंगे, जीतू भाई, तौफिक सिद्दीकी जी टेक्निकल टेबल देख रहे, आदरणीय निखिलेश भाई, असलम पारसी साहब, रंजीत सर, उत्तराखंड के जनरल सेक्रेटरी अमजद उस्मानी साहब, सौरभ भाई, राजकुमार कैतवाल जी, हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म जिस पर है 5,000 से ज्यादा लाइव कैसीनो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अभी खुद को रजिस्टर कीजिए और जीतिए मल्टीपल रिवॉर्ड्स। महाराष्ट्र IPPL के कैप्टन टेक्निकल टेबल के पास आ जाएं, महाराष्ट्र वर्सेज IPPL के कैप्टन टेक्निकल टेबल के पास आ जाएं। टेनिस एनी टाइम, जी एक्सचेंज इज रूलिंग द एक्सचेंज इंडस्ट्री सिंस मेनी इयर्स, सो स्टार्ट योर गेमिंग जर्नी ओनली ऑन gexchange.com। आल्सो द जी ग्रुप हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स, सो इफ यू वांट टू मैनेज ऑल योर स्पोर्ट्स IDs विजिट gpunt.com। सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस पर है 5,000 से ज्यादा लाइव कैसीनो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टीम कैप्टन महाराष्ट्र, टीम कैप्टन IPPL, दोनों ही तुरंत टेक्निकल टेबल पर आ जाए। टीम कैप्टन महाराष्ट्र, टीम कैप्टन IPPL। Here you can play thousands of games like cricket, football, tennis, anytime. G Exchange is ruling the exchange industry since many years. So start your gaming journey only on gexchange.com. Also, the G Group has a wide range of platforms for sports enthusiasts. So if you want to manage all your sports IDs, visit gpunt.com. सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस पर है 5,000 से ज्यादा लाइव कैसीनो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अभी खुद को रजिस्टर कीजिए और जीतिए मल्टीपल रिवॉर्ड्स एंड गेम के साथ। Hey guys, I'm Ravi Bapara. I'm here to tell you about the fastest growing exchange, GExchange. Here you can play thousands of games like cricket, football, tennis, anytime. GExchange is ruling the exchange industry since many years, so start your gaming journey only on gexchange.com. Also, the G Group has a wide range of platforms for sports enthusiasts. So if you want to manage all your sports IDs, visit gpunt.com. और बड़ा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर, हेलो PPL ने पहले टॉस जीतकर क्षेत्र का फैसला किया, गेंदबाजी का फैसला किया है। तो जैसे ही मैच समाप्त हो, मेरा PPL टीम के कप्तान से निवेदन रहेगा कि आप अति शीघ्र अपनी टीम लेकर मैदान पर उपस्थित हैं, समय का विशेष रूप से ध्यान दें।
किसका मैच चल रहा है परमो हमो मैच किसका चल रहा है इस समय मैदान के बीचों बीच जो मैच चल रहा है गोवा वर्सेज डायमंड के मध्य ये मैच चलता हुआ जहां तक टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का सवाल ये प्रतियोगिता बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ और आज जो अभी हमारे बीच बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आने वाले हैं खास करके कमिश्नर सर डीएम सर एसएसपी सर और भी बहुत सारे लोग जैसे जैसे आएंगे हम उनका नाम बताते जाएंगे। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त अपील और एम्पायर ने इसे आउट करार दिया है। जहां तक प्रतियोगिता का यह फाइनल कल सायंकाल 7 बजे से खेला जाएगा। अब तक दो पुल के हिसाब से चार चार टीमें अपने पुल में क्वालिफाई कर गई हैं, जो कि सुपर लीग के रूप में यह मैच चलता हुआ। तो अभी भी बहुत सारी स्थिति परिस्थिति धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। कौन सी टीम से फाइनल पहुंचेगी, माफ कीजिएगा, कौन सी टीम पुल में टॉप करेगी और अलग अलग पोजीशन को हासिल करेंगे, उसके हिसाब से इस प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाएगा। जो पुल ए से क्वालिफाई की टीम थी आईपीएल झारखंड महाराष्ट्र और विदर्भ, जबकि दूसरे पुल से डायमंड गोवा यूपी और उत्तराखंड, ये 8 टीमें सुपर लीग में क्वालिफाई कर गई हैं। हमारे बीच इस प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र पाल सिंह जी मंच पे आ चुके हैं और उनके साथ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव इमरान अहमद लारी साहब भी हैं, साथ में गोरखपुर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजू सिंह भी मौजूद हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी महानगर के उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी उर्फ जीतू भी और बहुत ही अनुभवी एम्पायर अनवर जी भी मौजूद हैं और एक बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी भी हमारे मंच पर उपस्थित है, मिस्टर तौफीक सिद्दीकी साहब। इनका भी बहुत सारा योगदान रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट में। और मंच पे इस्तेसाम हुसैन समीर भी मौजूद हैं और अभी जो इस समय का जो हाइलाइटेड चीज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ही क्षणों में हमारे गोरखपुर के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आएंगे। निश्चित रूप से इस टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के लिए एक सुनहरा मौका होगा, खास करके हम आयोजन कमेटी के सभी सदस्य और खिलाड़ियों को एक मिलने का मौका प्राप्त होगा। हालांकि एक प्रदर्शनी मैच भी रखा गया है जिसका रूपरेखा अभी थोड़ी देर में आप लोग को बताया जाएगा, यथासंभव हो सकेगा तो ये प्रदर्शनी मैच खेला जाएगा। नरेंद्र शुक्ला जी माइक ले ले आप। मेरा एक निवेदन है, जो गेट पे गाड़ियां लगी हुई हैं आप उन गाड़ियों को हटा लें, प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ आपसे कुछ ही देर बाद आगमन हो जाएगा। गेट पर जिन जिन महानुभावों की गाड़ियां लगी है उनसे आप, मेरा निवेदन है गाड़ियों को आप स्थापित अपनी पार्किंग स्थल में इधर टैंकर की तरफ लगा लें, ये मेरा निवेदन है आपसे। प्रशासनिक अधिकारियों का हमला कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे आयोजन कमेटी के सभी सदस्य बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हुए
क्योंकि कुछ ही छोड़ों में हमारे बीच बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों का गमन शुरू हो जाएगा, खास करके जो भी लोग गेट के ऊपर साइकिल बाइक वहां से हटा ले, वहां साइकिल स्टैंड में अपनी मोटरसाइकिल साइकिल को वहां खड़ा कर ले ताकि वो रास्ता क्लियर रहे। गेट के पास से सारी गाड़ियां हटा लें, जिनकी भी गाड़ियां गेट पे खड़ी हो प्लीज कृपया हटा लें वहां से। रोहित गाड़ियां हटाइए। किशन जहां कहीं भी हो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम हो गया है उसको आके कृपया ठीक कर दे। किशन जी जहां कहीं भी हो कृपया मंच पे आ जाए।
गए तो हम हमारे बीच कुछ ही क्षणों में गोरखपुर नगर आयुक्त आदरणीय गौरव सिंह सुगरवाल जी का आगमन होने वाला है। इसकी सूचना हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को प्राप्त हो चुकी है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि कुछ ही क्षणों में हमारे बीच गोरखपुर नगर आयुक्त श्री गौरव सिंह सुग्रवाल जी का आगमन हो चुका है। हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि उन्हें मंच तक लाए। गोरखपुर नगर आयुक्त आदरणीय श्री गौरव सिंह सुग्रवाल जी का आगमन हो चुका है। और धीरे धीरे वो मंच की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। जैसे कि हमारे बीच नगर आयुक्त जी का आगमन हो चुका है। जैसा कि गोरखपुर टेनिस बॉल क्रिकेट और उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आज पांचवा दिन है। और ये जो इस समय मैच खेला जा रहा है ये सुपर लीग सारे मैचेज हैं। अपने अपने पोल से चार चार टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और जो इस प्रतियोगिता का रोमांच अभी आना बाकी है। अभी भी रहस्य बना हुआ है कि कौन सी टीम इस ट्रॉफी पे कब्जा बनाएगी। हालांकि चार टीमों ने अपने अपने पुल से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके सुपर लीग में प्रवेश कर लिया है। मैं का नाम जरूर बताना चाहूंगा, आईपीपीएल झारखंड महाराष्ट्र और विदर्भ। ये टीमें पुल ए से क्वालिफाई की हैं, जबकि पुल बी से डायमंड उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड। तो ये लगभग आठ टीमें सुपर लीग में प्रवेश कर गई हैं। इस समय जो मैदान के बीचों बीच मैच चल रहा है, गोवा वर्सेस डायमंड के मध्य ये मैच चलता हुआ। दोनों ही टीमें बहुत ही संघर्ष करते हुए अपने अपने टीम को जिताने की पूरी कोशिश करते हुए जबकि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस समय डायमंड के गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंद, हालांकि टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊंचाई प्राप्त की थी,
लेकिन पॉइंट रीजन में खेलकर एक रन प्राप्त किया बल्लेबाज ने। और कल हम लोगों एक बहुत ही अच्छी सूचना प्राप्त हुई थी, पौंडिचेरी के दो खिलाड़ियों का सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुआ था। जैसा कि उनके सेक्रेटरी ने बताया था कि कुल 78 पार्टिसिपेट खिलाड़ियों ने किया था, जिसमें टेनिस बॉल के दो खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है और मात्र वहां दो सीटें ही थी। तो ये हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए बहुत ही गर्व की बात है। खास करके उन्होंने टेनिस बॉल के सेक्रेटरी इमरान अहमद लारी साहब का बार बार धन्यवाद अदा किया था। उन्होंने कहा था कि एक अच्छा मंच उन्होंने प्रदान किया है, बल्कि टेनिस बॉल पूरे राज्य में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में खेले जाने वाला खेल बन चुका है। हम बहुत आभारी हैं हमारे बीच नगर आयुक्त जी का आगमन हो चुका है। बहुत ही मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बंटी लारी से अनुरोध करेंगे कि हमारे बीच उपस्थित नगर आयुक्त जी को बुके देकर उनका स्वागत करें।
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री जितेंद्र चौधरी उर्फ जीतू जी से अनुरोध करेंगे कि जो कि मनोनीत पार्षद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष, उन्हें बैच लगाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित नगर आयुक्त जी को बैच लगाकर स्वागत करते हुए जितेंद्र चौधरी और जीतू, और इसी बीच हम श्री राजू सिंह जो कि गोरखपुर टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे बीच उपस्थित आनंद जी को बैच लगाकर उनका स्वागत करें। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष श्री देवेंद्र पाल जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे बीच उपस्थित नगर आयोजकों को साल भेंट कर उनका स्वागत करें। और इसी क्रम में एक बार फिर आगे बढ़ते हुए हम टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव इमरान अहमद लारी साहब से और इनके साथ अमन राज श्रीवास्तव और गौरव सिंह, इन तीनों लोगों से अनुरोध करेंगे कि नगर आयोजक को मोमेंटो देखकर उनका स्वागत करें। हेलो हेलो हेलो। और इसके बाद हम दोनों एम्पायरों से अनुरोध करते हैं कि दोनों ही टीमों को लाइनअप करा लें, क्योंकि बहुत ही कम समय होने के बावजूद भी हमारे बीच नगर आयुक्त जी का आगमन हुआ है। हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं और एम्पायरों से अनुरोध करेंगे कि इस ओवर के बाद दोनों ही टीमों का लाइनअप करा लें ताकि उनके खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त हो सके। इसी बीच एक जबरदस्त अपील और दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से अनुरोध है, खास करके कोच मैनेजर और कप्तान, कि दोनों टीमों को लाइनअप करा लें, क्योंकि हमारे